अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आपको पता है कि हम इसके जो है टैक्सी के कोर्स अगर आपने करना हो तो इसके दो ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक उन में और एक ब्लॉक दो दोस्त है। तो ब्लॉक एक में तो हम तरीफा रेगलामेंट तो तेसरते और प्रोफेशन पढ़ते हैं, और ब्लॉक दो में हमारा मापा मुद्दू आ जाता है जिसमें अपने मापा के जो शंपला का जो एरिया उसको ज़्यादा फोकस करना होता है। उसके बाद फिर आपके सिलेदस बीएस आते हैं, सिलेदस बीएस के बाद फिर आपका सेक्शन लोगारत इंटरेसिस का आता है। उसके बाद फिर आपके रिक्यूजो का पांच प्रोगोनतस होते हैं जिसमें आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या एक पॉइंट से स्कीने पे या स्कीने से किसी दूसरे पॉइंट पे आपने मूव करना होता है। तो ये पाँच रिक्यूजो होती हैं, पाँच में समझते तीन रिक्यूजो ठीक होनी चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए, 60% हमारा ये मार्जिन बनता है। तो फिर हम इसको शुरू वहाँ से करते हैं जो एरिया बार्सिलोना का मास कुनसीद होता है, जिसको ज़्यादा लोग जानते हैं जो उधर रहते हैं नहीं रहते, तो फिर भी कभी बार्सिलोना ने चक्कर लगाया हो तो बार्सिलोना सिटी का देखे। जिस तरह मैं अभी बात करूँगा कि बार्सिलोना का सेंटर जो है वो प्लासा कतालुनिया, प्लासा कतालुनिया देखे, प्लासा कतालुनिया। तो प्लासा कतालुनिया फिर जब आते हैं तो लाजमी तौर पर बात ला रमला की भी होगी, जिस हमारे पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी में इसको हम खुशला रमला बोलते हैं, लेकिन इसका असल नाम क्या है, ला रमला है। ला रमला से देखिए, मैं हमने जो इसको कलर लगाया हुआ है ला रमला को, हमने असूल लगाया हुआ है। असूल कलर होता है जहाँ सर्कुलेशन टू वे होती है, आप ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी मूव कर सकते हैं। अगर हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम ऊपर की तरफ मुल्तानिया की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर हम इधर नीचे मूव करते हैं तो हम कहते हैं हम मार की तरफ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं मार की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि आगे जहाँ आपका पलासा पोर्ट तलब हो गया, आप पहुँच जाते हैं जब नीचे आते हैं प्लासा पोर्ट तलब हो, प्लासा पोर्ट तलब से थोड़ा और आगे आ जाते हैं तो आगे आपका बीच एरिया, बीच तो नहीं है, सी एरिया आपका यहाँ शुरू हो जाता है, मार शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम इधर आ रहे हैं, जब इस तरफ मूव कर रहे हैं तो हम कहते हैं हम मार की तरफ जा रहे हैं, जब हम इस तरह मूव कर रहे हैं हम आपके प्लानों के ऊपर की तरफ कहते हैं तो हम कहते हैं मुल्तानिया की तरफ जा रहे हैं। तो ला रमले के आखिर पे जाकर, फाइनल पे जाकर हमें एक राउंड बोर्ड मिलता है, इस राउंड बोर्ड का नाम है मोनूमेंट प्लासा पोर्टा लेलापाओ, जहाँ आपका मोनूमेंट दे कोलम जिसको हम कोलंबस भी बोलते हैं। तो यहाँ स्टैचू बना हुआ है कोलंबस का, उसको मोनूमेंट कोलम बोलते हैं। तो यहाँ से प्लासा पोर्टा लेलापाओ से हम ऊपर मूव करें तो ये हमारे पास क्या है, ला रमला, ये हमारे पास क्या है, ला रमला। रमला से हम ऊपर मूव करते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, प्लासा कतालुनिया पहुँच जाते हैं, प्लासा कतालुनिया पहुँच जाते हैं। प्लासा कतालुनिया से इस तरह हम राइट टर्न करते हैं, या इसको बोलते हैं हम जब राइट को मूव करेंगे तो हम कहेंगे बसोस की तरफ जा रहे हैं, जब ऊपर को मूव करेंगे तो हम कहेंगे मुल्तानी की तरफ जा रहे हैं। जब ये आपका प्लासा कतालुनिया यहाँ ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से ऊपर से क्या शुरू होता है, पासे दे ग्रासिया, ये देखें क्या शुरू हो जाता है, पासे दे ग्रासिया स्टार्ट हो जाता है, ये पासे ग्रासिया, पासे ग्रासिया हम लेते हैं और हम कहाँ पहुँच जाते हैं, ये आविंगुदा डायगोनल है, आविंगुदा डायगोनल, आविंगुदा डायगोनल और पासे दे ग्रासिया जहाँ क्रॉस कर रहे हैं उस वहाँ एक प्लासा है जिसको प्लासे को प्लासा सिंह दौरोस बोलते हैं, प्लासा सिंह दौरोस। और यहाँ से प्लासा सिंह दौरोस से हम खीरा लस्केदा करते हैं, आविंगुदा डायगोनल ले लेते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, प्लासा फ्रांसिस मासिया पहुँच जाते हैं, प्लासा फ्रांसिस मासिया पहुँच जाते हैं। ये प्लासा फ्रांसिस मासिया बहुत मशहूर है इधर, ये किलकुर्ते इंग्लिश भी हमारे प्लासा कतालुनिया, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी डिस्कस करेंगे कि हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब मूव करना है तो कैसे करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक जो है एक स्केच लगा रहे हैं कि आपका एक स्केच सा बन जाए, जो ख़ासतौर पर हमारा सेंटर एरिया है, शंपला का एरिया है, सुतादबिया के एरिया है, पहले हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये प्लासा फ्रांसिस मासिया, प्लासा फ्रांसिस मासिया से हम नीचे आते हैं तो ये क्या है, आविंगुदा जोसेफ तारादियास, आविंगुदा जोसेफ तारादियास लेते हैं और हम कहाँ आ जाते हैं, प्लासा पाइसेस कतरा, प्लासा पाइसेस कतरा, ये हमारे पास सांत स्टेशन ने जिसको स्टेशन बार्सिलोना बोलते हैं, स्टेशन सांत बार्सिलोना, उसके सामने ये जो प्लासा है इसका नाम है प्लासा पाइसेस कतरांस, प्लासा पाइसेस कतरांस आ जाते हैं, प्लासा पाइसेस कतरांस से हम क्या लेते हैं, काइए तारागोना, काइए तारागोना लेते हैं और कहाँ आ जाते हैं, प्लासा स्पानिया आ जाते हैं, प्लासा स्पानिया जहाँ ग्राम्बिया कोस कतरानेस भी है, यह आपका आविंदा पैलरिल भी है, आविंदा रेना मारे कस्तीना भी है। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, क्रियोकुबेरता, इसका नाम चेंज हो जाता है, फिर आगे का ये सांस हो जाती है, तो उसको हम बाद में मार्कार करेंगे। जहाँ प्लासा पाइसेस कतरान से निकलते हैं तारागोना, तारागोना से प्लासा स्पानिया, प्लासा स्पानिया को सरल रोदयार करके हम क्या ले लेते हैं, आविंदा पैरल ले लेते हैं, आविंदा पैरल। तो देखिए आविंदा पैरल जब हम पकड़ते हैं तो कहाँ आ जाते हैं, प्लासालेस ड्रासानेस आ जाते हैं, प्लासालेस ड्रासानेस, देखो हम कहाँ आ जाते हैं, प्लासा स्पानिया से निकलते हैं, आविंदा पैरल लेते हैं, प्लासालेस ड्रासानेस आ जाते हैं। यहाँ प्लासालेस ड्रासानेस को हम रोदयार करके ये रोड जो है इसका नाम है पासेज जोसेफ कार्नर, यहाँ आपका पासेज
जोसेफ कार्ने। अब इन पैरेलल से प्लासर लेस्ट्रासानिस, प्लासर लेस्ट्रासानिस से अब क्या लेते हैं पासे जोसेफ कार्ने, और पासे जोसेफ कार्ने हम लेकर कहाँ जाते हैं प्लासा पोर्टा लेलपो आ जाते हैं। तो देखिए एक सर्कल जो है ये स्केच है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हम जो है ये सेंटर एरिया बार्सिलोना का इसको ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये आपका सर्कल कंप्लीट हो गया। इसमें इन शार्ट आपको इस तरह पूरे का पूरा मैं आपको बता दूंगा। तो देखें प्लासा पोर्टल पाओ से आप ऊपर मुंतानी की तरफ जाते हैं तो लारमला लेते हैं, उधर प्लासा कतूनिया पहुँच जाते हैं, प्लासा कतूनिया से फिर आप पासे ग्रासिया लेते हैं, प्लासा सिंह दोरोस पहुँच जाते हैं, प्लासा सिंह दोरोस से डायगोनल प्लासा फ्रांसिस मार्सिया, प्लासा फ्रांसिस मार्सिया से आबिगुदा जोसेफ तारा दैयास प्लासा पासेस कतलान, प्लासा पतरे पासेस कतलान से काये तारागोना और प्लासा स्पानिया, प्लासा स्पानिया से आबिगुदा पैरल लेते हैं प्लासा दे स्ट्रासानेस, और प्लासा दे स्ट्रासानेस से हम ये पासे जोसेफ कार्नर लेते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं प्लासा पोर्टा लेलापाओ। तो देखिए हमने यहाँ डिफरेंट कलर स्कीम इस्तेमाल की है, जो बेदे कलर है ग्रीन कलर है इसको हम प्लासा खादिन और पार्क्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो असूल कलर है हम उसके लिए जो टू वे रोड है दो ब्लेसन चीज़ है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये नराखा है ये देखो हमने इसको इस्तेमाल किया है जो हम बिसोस की तरफ राइट साइड पे मूव करते हैं। तो जब हम अपने मैप पे राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हम बिसोस की तरफ जा रहे हैं, जब ऊपर को मोर कवर है तो हम कहते हैं हम मुंतानिया की तरफ जा रहे हैं। तो इस देखें यहाँ एक तो नराखा कलर इस्तेमाल हुआ है, रंज कलर इस्तेमाल हुआ है तो ये बिसोस के लिए है, फिर एक लीला कलर इस्तेमाल हुआ है जिसको हम व्योलेता भी बोलते हैं अपनी जबान में, जो है हम जामन कलर भी बोलेंगे व्योलेता लीला भी है इसको बोलते हैं। तो ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मुंतानिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक ये प्लासा कतूनिया इस साइड से भी देखें बिसोस वाली साइड पे राइट साइड पे भी ये प्लासा कतूनिया में सर्कुलेशन सिर्फ ऊपर के लिए है, नीचे नहीं आ सकते। अगर लेफ्ट साइड पे युब्रेगार की तरफ देखें प्लासा कतूनिया के तो ये भी देखें सर्कुलेशन जो है इसमें क्या है सोलो सेंटीदो मुंतानिया आप नीचे नहीं आ सकेंगे। तो फिर लारमला से जब निकलते हैं क्या लेते हैं प्लासा कतूनिया, प्लासा कतूनिया उस पासे प्लासा फिर ये प्लासा कतूनिया ही है, प्लासा कतूनिया से हम क्या लेते हैं पासे दे ग्रासिया, पासे दे ग्रासिया, पासे दे ग्रासिया से हम कहाँ पहुँच जाते हैं प्लासा सिंह दोस, उधर से हम लेते हैं आविना डायगोनल और प्लासा फ्रांसिस मार्सिया पहुँच जाते हैं, प्लासा फ्रांसिस मार्सिया से आविना जोसेफ तारा दियास और हम कहाँ पहुँच जाते हैं प्लासा पासेस कतलान पहुँच जाते हैं, प्लासा पासेस कतलान से देखें हम ये तारागोना लेते हैं और प्लासा स्पानिया पहुँच जाते हैं, प्लासा स्पानिया से देखें फिर हमने आविंदा पैरेलल ले लिया आविंदा पैरेलल और हम कहाँ आ जाए आविंदा पैरेलल लेकर, देखें आविंदा पैरेलल लिया और हम कहाँ आ गए आविंदा पैरेलल लेकर हम प्लासा दे स्ट्रासानेस आ गए, प्लासा दे स्ट्रासानेस, प्लासा दे स्ट्रासानेस में हम रोड तैयार करते हैं और फिर ये जो रोड है दोनों प्लासों को जो मिला रहा है प्लासा लेस्ट्रासानेस प्लासा पोर्टलपाओ को इसका नाम क्या है पासे जोसेफ कार्नर। तो ये हम प्लासा ड्रासानेस से पासे जोसेफ कार्नर लेते हैं और प्लासा पोर्टलपाओ आ जाते हैं। तो ये एक एक स्केच दिया आपको, कलर की स्कीम बताई है, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जो है कोई एक या दो या तीन पॉइंट लेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं मारी होगी दो या तीन या चार या मैक्सिमम पाँच मिनट की वीडियो में हम आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया जो है मैप के बारे में देते रहेंगे, एक पॉइंट से आपने दूसरे पॉइंट पे कैसे मूव करना है, शहर बार्सिलोना के अंदर सेंटर एरिया में खासतौर पर आपने कैसे मूव करना है, तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह आपको क्लियर करते रहेंगे। जो जो मेन प्लासे हमारे जिस तरह प्लासा कतूनिया है ये हमारा प्लास मेन प्लासा जो हमारे पास है, ये प्लासा पोर्टलपाओ है, इसके साथ जो हमारे पास मेन प्लासा है प्लासा रेस्ट्रासानेस है, फिर हमारे पास ये प्लासा स्पानिया सभी लोग जानते हैं बड़ा फेमोसो है प्लासा स्पानिया, और यहाँ फोंट माखिका इधर मुंजी के ऊपर है वो उसको भी डिस्कस करेंगे, ये फिर हमारा का ये तारागोना से प्लासा पासेस कतलान है, प्लासा पासेस कतलान सांत स्टासियों दे बार्सिलोना स्टासियों सांस दे बार्सिलोना, फिर यहाँ से हमारे पास ये प्लासा फ्रांसिस मार्सिया है प्लासा फ्रांसिस मार्सिया प्लासा फ्रांसिस मार्सिया, फिर हमारे पास यहाँ डायगोनल और पासे दे ग्रासिया आपस में क्रॉस करते हैं, ये प्लासा सिंह दोरोस है प्लासा सिंह दोरोस। तो देखें ये हमारे पास पासे दे ग्रासिया है, पासे दे ग्रासिया यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पासे दे ग्रासिया सेंटीदो मुंतानी है, यहाँ से हम कॉम्बे सेंटीदो करके ये देखें नाराखा कलर हम जो है ये मार्क के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बिसोस के लिए भी, जहाँ देखें हम मार्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और प्लासा कतूनिया में इसने हमने बिसोस के लिए इस्तेमाल किया था। तो ये हमारा जो है इशारा देखें आज एक सर्कल या स्केच लगा कर दिया है कि हमने कैसे मूव करना है, मज़ीद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक या दो या तीन पॉइंट लेकर शॉर्ट टाइम के लिए छोटा सा मूवमेंट फिर दिखाएंगे। तो आप इंशाल्लाह
इस तरह छोटे छोटे थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के साथ वक्त के साथ जैसे